नमस्ते प्रणाम, मैं आपका भाई सिंगर धर्मेंद्र कुमार। आप लोग देख रहे थे माड़ोगढ़ की लड़ाई उर्फ बाप का बदला। तो आप लोगों ने अभी तक भाग 7 देखे हैं, तो लीजिए आपके स्क्रीन पे हाजिर है भाग 8। बेटा भाई जी चला होटल में भर्ती करवा दो। हेलो हेलो हेलो, हमारे पिताजी राज कचहरी पे आज याद गए हैं। मैं चलकर स्वयं अपना पिताजी से मुलाकात करता हूँ। पिताजी को मैं प्रणाम करता हूँ। खुश रहो, प्रणाम करता है, प्रणाम करता है पिताजी। बेटा भाई सिंह, पिताजी सुन लीजिए, बने जरूरी आज पीता पर गेल राज बंगले पार। आज का बने जरूरी आज पीता पर गेल राज बंगले पार। आज से हलिया
रहा है भाई सिंह? आज हमारे राज बंगले पे बुलाने का कारण क्या है? अरे मैं बताना चाहता हूँ, रात दिन खाली तू महल के पास रहता है और कारण पूछता है। कारण पूछता है, बात क्या है? 700 लौड़ी अपने पनघट पर पानी भरने के गया था। अच्छा, उसको भारी बेइज्जती किया है। मेरे बगीचा में लौंग इलायची का पेड़ था, वो कुल्ले के कबाड़ दिया है। मुझे माली के मार के गोड़ हाथ तोड़ दिया है। बेटा भाई सिंह, पिताजी सुन लीजिए, जाओ और जाकर उसको पता लगाओ। बेटा, वो कहां को रहवैया था मैं जानने के लिए चाहता हूँ। अगर मैं जान गया के बाद उसे सिर काट कर आपको चरण में नहीं दिया तो मेरा नाम नहीं है भाई सिंह। बेटा, वो माली बता रहा है कि छोटा सा बच्चा है। अच्छा, वो नाम बताया कि मुझे मकान इराद मोहविया पड़ता है। पिताजी को नाम ये दशरथ बताता है। ओ, ऐसा बात है। उसको नाम रुदल बता रहा है। ओहो, बहुत सुंदरी बात। आज तेने हमारे जाओ 700 प्रहारी का मारकर इज्जत पर धावा किया है और मेरे मालिक को भी मारा है, लौंग इलायची को भी कबार दिया है। मैं देखूंगा उस राजा को कितना बाहों में शक्ति है और कितना सहन शक्ति है। जब मैं देखने के लिए जा रहा हूँ, पिताजी को प्रणाम करता हूँ। खुश रहो, जाओ उसको कैद करके लाना है। लाओ लाओ रुदला। अब इसी जंगल में मैं कुछ देर आराम कर लेता हूँ, उसको बाद मैं चलूंगा राज महल पर लौटूंगा।
माली तेने देखा है ना कि कहाँ तुम्हें मारा है, कौन जंगल में मारा है जे? हमें ना हाँ और चिन्हाई हो पता है ना ता चलो ना हाँ चलो ना चलो और चल कर उस बालक को दिखाओ मेरा पिताजी से आ गया है कि उसे कैद कर स्वयं अपने पिताजी को बहादुर हाँ कहाँ देखा था एजे बड़ी हालो एजे चला ना आगे बढ़े और तस्वीर बढ़ा अगल बगल में देखो बहादुर अगर है तो उसे जगा दो जाकर मैं सुते हुए आदमी को नहीं मारता हूँ छात्री को जगा कर मारता हूँ अरे 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 सुतली रे रे उठ ए माली क्या बात है टेढ़ियावा हमारे से ना उठा को नहीं उठता है ना ओहो अगर नहीं उठता तो मैं भी चलकर खुद उठा लेता हूँ जाओ तो अरे अरे दूध को अगली बोल से बात करना दूध को अगली आओ अरे दूध को अगली आओ अभी तो ले लू बेटा अभी तो छोड़े वाला नहीं नहीं सुनो क्या सुनाते हो अरे पवन करना मारे पपिया तू जगह बल रे अरे कहते हो किस कारण से तेने आज हमें जगाया हरे किस कारण से कारण क्या है सुनो तुरा ना पता रे क्या रे आई क्या पता रे मोरनी हमरे तुरा पता ना हाउ तुरा कहियो ना कि तुम गरीब घर गरीब घर का हम नौकरी आई आई तू कहे कि तू बोल रहे कि कौन करण जगाया है हां तोर बाप के लगे चाहो तोर बाप कह रहे तोर बाप कह रहे सोना मैं क्या कहता हूँ जबरदस्त उतर जाइए ना
ऐसा गलत काम आज हमारे मां ने किया था, और क्यों गलती हमारे पनहारी ने किया था, जितने बहुत ही पहरामी से इज्जत का स्वान पर धावा धल के टूट गया है। सुनो, शुक्र मनाओ कि तुम्हारा पास अभी जो माली है ना वो जीवित है। अच्छा, और क्या कहूं, माँ दुर्गे के दरबार में आया हूं तो आज आवाज लग गया है, इसीलिए मैं मजबूर हूं। नहीं तो तुम लोग इतना छक्का छोड़ाता ना बेटा। अरे सुना सुना, खेल ला ना सिकारा रे दिल कहू, अरे तोरी अरे मलिया रे तुम्हारे माली ने हमें शिकार करने से रोका। अच्छा, तुम्हारे लौड़ी ने पानी पिलाने से इनकार गई, इसी कारण मैं मारा हूँ। ओ, हमारे माली तुम्हें शिकार करने के लिए नहीं दिया, इसीलिए तुम मारे हो ना। हाँ, हमारे पनहारी पानी जिस समय में भर रही थी उस समय में तुम्हें पानी नहीं पिलाया, इसलिए मारा है ना। हाँ, ए बतलाओ कि जो ये माली है, पूरा बगीचा है ये तुम्हारा बाप का है? हाँ, आइए श्रीमान जमाहिर मुखिया जी की तरफ से 50 रुपये का पुरस्कार वा, हमारे तरफ से नमस्कार वा। क्या पूछ रहा हूँ, पूरा बगीचा है ये तुम्हारा बाप का है? का तुम्हारा बाप का है? क्या मेरा बाप का है क्या जी? इसमें सब बगीचा है जी, तो मेरा नहीं है तो तुम्हारा बाप का है? जवान खींच लूंगा बेटा, तमीज से बात करो। सुनो सुनो, मैं कहता हूँ जी,